ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ यूपी में मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। मामला यूपी के बाराबंकी में दर्ज किया गया है। जल्द कार्यवाही कर गिरफ्तारी की जाएगी। ओवैसी बृहस्पतिवार को बाराबंकी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कई विवादित टिप्पणियां की। इस कार्यक्रम पर कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन का आरोप है। असदुद्दीन ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगा है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि 9 सितंबर को थाना कोटवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा चंदना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा की गई। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। यमुना प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान न तो किसी ने मास्क पहन रखा था और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया। ओवैसी ने अपने भाषण में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि कोतवाली रामस्नेही घाट में प्रशासन ने 100 वर्ष पुरानी मस्जिद को तुड़वा दिया। उन्होंने इस बात से एक समुदाय विशेष को भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। ओवैसी ने कार्यक्रम में पीएम मोदी पर हमला करते हुए आरोप लगाया था कि देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयास जारी हैं। जब तक जिंदा हूं, नस्लों को बताऊंगा मस्जिद हुई शहीद, बोले असदुद्दीन ओवैसी। पुलिस के अनुसार ओवैसी ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ओवैसी और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।